पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भतरौंज खान के पास गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया, जिसमें थाना भतरौंज खान से 3 किलोमीटर दूर रामनगर भिकियासैन मोटर मार्ग पर सियालडुंगा में एक बाइक अज्ञात वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो युवक बाइक से छिटक कर गिर गए। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों ने इस सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर भतरौंज खान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू चलाकर स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार युवकों को सड़क पर लाया। बाइक सवार दो युवकों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। पहाड़ों में लगातार कोविड 19 का संक्रमण बढ़ने के खतरे को देखते हुए थल क्षेत्र के युवाओं ने एक अनूठी पहल शुरू की है। थल बाजार, जोगुड़ा थल, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, बैंक कोषागार, एटीएम, पुलिस चेक पोस्ट, तहसील परिसर थल, पशु अस्पताल और बाजार में प्रत्येक दुकानों में जाकर अपने निजी संसाधनों से सैनिटाइज किया। युवाओं के इस पहल की विभिन्न संगठनों ने सराहना की है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका और राज्य सरकार में मंत्री रेखा आर्यन ने अपनी विधायिका निधि से 75 लाख रुपए की धनराशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर में 25 बेड ऑक्सीजन युक्त बेड स्थापित करने के लिए दिए हैं, जिससे क्षेत्र में कोरोना मरीजों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर में ही हो सकेगा। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोमेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट, जिसकी अनुमानित लागत 75 लाख रुपए है, उसकी सहमति में अपनी विधायिका निधि से दे दी है, जिसमें 25 ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे, जो पूर्णतः सोमेश्वर की देवतुल्य जनता को समर्पित होगा। नशे के तस्करों पर एसओजी के उप निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ एक मारुति कार का पीछा कर 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये दोनों ही शराब की तस्करी कर रहे थे। गुरुवार को गश्त के दौरान शक होने पर एसओजी के उप निरीक्षक नीरज भाकुनी ने कांस्टेबल दिनेश नगरकोटी और दीपक खनका के साथ एक मारुति का पीछा किया और एनटीडी चौक इंचार्ज सुनील कुमार को सूचना देते हुए शेल बैंड की तरफ से आने को कहा। इसके बाद गफड़खान रोल में शेल बैंड पर इस वाहन को रोक लिया, जिसमें सवार लक्ष्मण सिंह भंडारी निवासी ग्राम आरोखोना नैनीताल के कब्जे में से कार में रखी 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। उत्तराखंड में कोरोना काल में सभी लोगों के व्यापार और काम चौपट हो गई है, जिसको लेकर लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। मसूरी टैक्सी मैक्सी से जुड़े लोग इन दिनों दिहाड़ी मजदूरी करने के साथ मजबूर है। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार खुद अपने गाँव में खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी ट्रेवल एजेंसी में करीब 40 गाड़ियां हैं, जिनके पहिए इस समय जाम हो चुके हैं। कुछ ड्राइवर अपने आप छोड़कर चले गए हैं और कुछ को निकाल दिया गया है, क्योंकि गाड़ियों को काम ही नहीं बचा है। ऐसे में स्वयं अपने गांव आकर अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी का संकट इस तरीके से मंडरा रहा है कि अपने परिवार का लालन पालन करना भी मुश्किल हो गया है। आर्थिक मुआवजा दिया जाए और रोड टैक्स में कम से कम 2 वर्ष की माफी हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगत बिल्कुल खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है। सारा ट्रांसपोर्ट, उत्तराखंड का सारा ट्रांसपोर्ट एवं होटल व्यवसायी केवल टूरिस्ट पर निर्भर है। यह एक पर्यटन प्रदेश है और इस प्रदेश की बड़ी आर्थिक जो स्थिति है बड़ी दयनीय हो चुकी है कोरोना के कारण। विगत वर्ष भी कोरोना के कारण यही हाल ट्रांसपोर्टर का रहा। विगत वर्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी हमें आर्थिक मदद दी थी बहुत कम मात्रा में, और हम लोगों का रोड टैक्स 6 महीने का माफ किया था, जो कि सभी के लिए माफ किया था। बस वालों के लिए जो केवल आर्थिक सहायता का पैकेज बन रहा है और उनके लिए एकमात्र रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, जो कि यदि सरकार ने इस प्रकार का ये बना रही है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे में सरकार ये करना चाहती है तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्टर सभी ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक सहायता दी जाए एवं उनके लिए रोड टैक्स में सबके लिए कम से कम 2 वर्ष की माफी हो, ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों और देश दुनिया के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से इस साल 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। ऐसे में संकट के इस समय में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए भक्तों के लिए उत्तराखंड सरकार 4 धाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है, जिससे घर बैठे लोग 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। इस संबंध में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ भी चर्चा की, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा भी उक्त सुझाव को उचित बताया। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था करने से 4 धामों के दर्शन के इच्छुक देश विदेश के श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर परिसर की ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना कर सकेंगे। गुरुवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन से बात कर और पत्र लिखकर ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में इस समय
चारधाम यात्रा स्थगित है और यहां पर कोरोना काल में कर्फ्यू लगा हुआ है ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो। हम लोगों ने भक्तों की भावना का आदर करते हुए यह निर्णय लिया है कि देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से हम भक्तों को चारधाम का वर्चुअल दर्शन कराएंगे। जहां तक की अनुमति होती है वहां तक के दर्शन भक्तों को वर्चुअल दर्शन के माध्यम से यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इन धामों के दर्शन कराए जाएंगे। भक्त अपने घरों में रहते हुए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। सभी से आग्रह है कि अपने घरों में रहें और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। देश की सबसे बड़ी सेवा यह है कि हम वैक्सीनेशन का लाभ लें। धन्यवाद। मसूरी में पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है, जिसको लेकर कई लोगों के द्वारा मसूरी कोतवाल और पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई। मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने कहा कि सुबह 10 बजे तक ही लोग अपनी जरूरी काम के साथ आवश्यक सेवाओं की खरीददारी कर सकते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि सुबह 10 बजे के बाद ज्यादातर लोग बैंक, अस्पताल का बहाना बनाकर बाहर निकल रही हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अगर अस्पताल भी जाना है तो उसके लिए पुख्ता प्रमाण रखने होंगे। वहीं बैंक का काम समय रहते ही करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बारिश के चलते दिवनी के रायगी गांव में मकान के ऊपर बन रहे निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार धराशायी होने से मलबा मकान पर गिर गया, जिससे वहां पर रह रही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। घटना गुरुवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। बीते बुधवार रात से क्षेत्र में बारिश होती रही। गुरुवार सुबह सीमांत तिवनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत रायगी गांव में एक ग्रामीण के मकान के ऊपर और बन रही निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार धराशायी हो गई। दीवार टूटने से सारा मलबा मकान के ऊपर गिर गया। जनपद पुलिस कप्तान पी रेणुका देवी के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को पुलिस मुख्यालय से चलाई जा रही मिशन हौसला मुहिम के तहत निर्देशित किया गया है कि कोरोना काल में सभी अपने अपने थाना क्षेत्र में रह रहे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करें। इसके तहत ही आज थाना सतपुली के चौकी दुधारखाल क्षेत्र के गाँव में रह रहे ऐसे बुजुर्ग, असहाय और जरूरतमंद लोगों को थाना पुलिस टीम द्वारा राशन की 17 किटों को वितरित किया गया और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी दिए गए। इस अवसर पर थाना संतोष पैथवाल द्वारा आमजन से अपील करते हुए कहा कि मिशन हौसला मुहिम से लोगों को जुड़ना चाहिए, जिससे कोरोना काल में समाज के ऐसे लोगों की मदद की जा सके। हमारे पुलिस मुख्यालय से चलाए जा रहे मिशन हौसला के तहत आज हमने अपने चौकी दुधारखाल क्षेत्र में जाकर कुछ बुजुर्ग और असहाय लोगों को 17 राशन की किटें दी हैं और जहाँ पे हमने गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मौके पर जागरूक भी किया है। कोरोना महामारी के चलते देश विदेश भर में सभी कारोबार ठप पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर यदि उत्तराखंड में फल उत्पादकों को कोरोना महामारी के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत नैनबाग के करीब नारायणी उद्यान की, जहां पर उद्यान विशेषज्ञ कुंदन सिंह पावार द्वारा बागवानी में अनेक प्रकार के फल वृक्ष लगाए गए हैं, लेकिन बाजार न होने के कारण पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना काल के दौरान बागवानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। वर्तमान समय में बागवानी आड़ू, पुलम, खुमानी आदि अनेक फलों का काफी अच्छा उत्पादन होता है, साथ ही पर्यटक स्थलों पर इन फलों की भारी मांग भी रहती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बाजार न होने के कारण कुंतलों फल पेड़ों पर ही पककर खराब हो रही है। हालत यह है कि किसानों को इस महामारी के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे बागवानी में जुड़े सभी किसान बड़े चिंतित है। किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा उचित विपणन व्यवस्था न होने के कारण बागवानी से जुड़े लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार किसानों और बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर कई योजनाओं की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हमारी साल भर की फसलें हैं और पिछले साल भी इसी तरह से लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। हमारे पास ऑर्डर्स तो आते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि लॉकडाउन में कोई भी यहाँ आने को, दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण गांवों में कोई आने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हम इसको, जो हमारे एंड यूजर्स हैं, वहां तक पहुंचाने में असमर्थ हैं और आर्थिक परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। तो लॉकडाउन में मुश्किल ये है कि जो खाने वाले हैं वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो फिर हमको मार्केट वैल्यू कहाँ से मिलेगी।
कोविड संक्रमण को देखते हुए डीएम ने बेस अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और आईसीयू वार्ड को 25 मई तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कार्यस्थल पर जाकर निर्माणाधीन कामों का निरीक्षण किया और काम शीघ्र समाप्त करने के निर्देश दिए। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को बेस अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था एचएलएल को निर्देशित किया कि जल्द प्लांट स्थापित करते हुए ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की जाए। डीएम ने कहा कि 25 मई तक ऑक्सीजन प्लांट शुरू करना होगा। हल्द्वानी शहर के अंदर द्वितीय चरण में राजकीय एमबीपीजी में लगातार वैक्सीनेशन कार्य चल रहा है। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने बताया, द्वितीय चरण में चलने वाले वैक्सीनेशन में एमवी इंटर कॉलेज में 3 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पहले बूथ में 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और दूसरे बूथ में फ्रंट वॉयस मीडिया कर्मी, इंश्योरेंस कर्मी और बैंक कर्मी, अन्य विभागों के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अभी जो प्राप्त निर्देश थे उसमें हमारे 2 चरणों में चल रहा है। डिग्री कॉलेज में हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जिसमें 18 से 45 साल के जो वर्ग के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनके टाइम स्लॉट्स मिल चुके हैं, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। साथ ही वहां पर 45 से अधिक के जो लोग हैं जिनका प्रथम टीकाकरण होना है या दूसरी टीकाकरण होना है, उनका भी होना है। साथ ही हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं उनके लिए भी हो रहा है। हमारे हार्ट केयर सेंटर में हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। जैसे जैसे हमें टीकाकरण के लिए वैक्सीन उपलब्ध होती जाएंगी और क्षेत्र में इस प्रकार से प्रसार भी करेंगे हम, और जितना शीघ्रता से हम पूरी क्षेत्र को कवर कर सकें उसका प्रयास रहेगा। युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी संदीप चमोली ने कहा कि वर्तमान में पुलिस विभाग कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने में युद्ध स्तर से अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी की सहमति से आरक्षी का ग्रेड पे 4600 से 2800 कर रही है। संदीप चमोली का कहना है कि वर्तमान प्रदेश की बीजेपी सरकार इसमें परिवर्तन कर अब 20 वर्ष की सेवा पर आरक्षी को 4600 ग्रेड पे को कम कर 2800 का ग्रेड पे वेतन देने की तैयारी कर चुकी है, जो कि पुलिस आरक्षी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जैसा कि हम सबके संज्ञान में आया कि लगातार पुलिस विभाग में कभी हमारा सिपाही वर्ग कभी मेस में खाना नहीं खाता है और कभी काला मास्क पहनकर अपना विरोध प्रकट कर रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी कि 20 वर्ष की नौकरी जो भी कर्मचारी पूरा कर चुका है उसे 4600 पे कर दिया जाए और जो न्याय एकदम न्याय संगत मांग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से सरकार ऐसे कर्मचारी जो 20 वर्ष की अपनी नौकरी पूरी कर चुके हैं उनको 4600 पे ग्रेड देने का काम करें, जिससे कि कर्मचारियों में हीन भावना न आए। इस कोरोना काल में जहां एक तरफ आप पुलिस कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स कहकर पुकार रहे हैं, तो साथ साथ हमें उनके मनोबल का भी विशेष ध्यान देना होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।